वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग। और अभी हम हैं कोटा में एंड अभी जस्ट नीट के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। एंड अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों के दिमाग में बात चल रहा है वो ये है कि अब आगे क्या, आगे लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए या आगे क्विट कर देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिथ हैं, और जो लोग कोटा आना चाहते हैं, ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज़ यहाँ पर मैं ऐसा 5 इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप अगर कर पा रहे हो तो ही आप कोटा आना, तो ही आप ड्रॉप लेने का सोचना, अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी मत सोचो। मैं तो बता रहा हूँ बिकॉज़ मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ इस चीज़ों को आपको बताने यहाँ पे जा रहा हूँ, और जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें पता चल जाएँ। और आप लास्ट में ज़रूर ये सारी चीज़ें देखना कि अगर आप कर पा रहे हो इन 5 पॉइंट्स को, तब आप ये समझ लेना कि आप ड्रॉप लेने के लिए रेडी हो। और बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। तो गाइस, अब हम बात करेंगे वीडियो के फर्स्ट पॉइंट के, तो जो आप हमारे वीडियो का फर्स्ट पॉइंट होगा वो वही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, और जो कि मैंने अपने कोटा जर्नी में सीखा है वही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। वो ये है कि आप जो भी अपने प्रीवियस ईयर में गलती आपने की है, चाहे आप क्लास 12th में थे, चाहे आपका फर्स्ट ड्रॉप था, सेकेंड ड्रॉप था, चाहे जो भी था, आप उन गलतियों को आप एक जगह कॉपी पे उसे लिख लो। आपके जो प्रीवियस मार्क्स हैं या जो भी आ रहे हैं उस मार्क्स को भी लिखो। अब जब आप नेक्स्ट टाइम तैयारी करने बैठोगे तो आपके सामने वो चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जब आप वही गलती सेम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, अब मैं ये नहीं करूँगा तब मेरा जाके सिलेक्शन होगा। और आपको जो वो मार्क्स है वो आपको बूस्ट करेगा आपके आगे स्कोर के लिए। तो ये था वीडियो का फर्स्ट पॉइंट। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो गाइस, हमारे वीडियो का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको एक टास्क में दे रहा हूँ जो कि आपको 10 दिन तक करना है, चाहे आप जहाँ पे भी हो, आप अपने घर पे हो, हॉस्टल में हो, कोटा में हो, जहाँ पे भी हो, आपको करना यह है कि आपको 10 से 12 घंटे की एक सिटिंग कैपेसिटी आपकी बैठानी है चेयर टेबल पे, ठीक है। उसमें आपके क्लासेस इंक्लूडेड होने चाहिए, आपकी सेल्फ स्टडी इंक्लूडेड होने चाहिए, और बीच में आप गैप भी ले सकते हो, लेकिन आपके पास अपनी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप हर एक एक घंटे का आप क्या कर रहे हो, कितने देर आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आपके पास होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप कोटा आते हो या कहीं भी जाते हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे स्टडी करना ही पड़ता है, उसकी आपको तैयारी आने से पहले करनी होती है। तो हाँ, ये वीडियो का सबसे सेकंड पॉइंट है, आप आज से अभी से अपना एक डायरी बनाओ, जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, 12 घंटे से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भले हो जाए। अब बढ़ते हैं वीडियो के थर्ड पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब बात करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ सेकंड की तरह, और ये सेकंड से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि सेकंड पॉइंट में आपको 10 से 12 घंटे की सिटिंग लगानी है, लेकिन सिटिंग लगानी है स्टडी टेबल और चेयर पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो बेड पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो बेड पे सो ही जाते हैं, 10% ही ऐसे होते हैं जो बेड पे पढ़ सकते हैं। तो आप लोग हमेशा जब भी पढ़ाई करने बैठो तो आपका एक स्टडी टेबल, आपका एक चेयर होना चाहिए, आपका उसी पे हैबिट होना चाहिए पढ़ाई का। तब जाके जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे स्टडी टेबल पे, अपने चेयर पे, तो आपको जो रूम में पढ़ने का हैबिट रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का हैबिट रहेगा, वही एग्ज़ाम सेंटर पे भी सॉल्व करने का रहेगा। अब बढ़ते हैं वीडियो के फोर्थ पॉइंट की तरफ। पहले बात कर लेते हैं, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और अगर आपको नीट 2024 देना है, आपको नीट में ड्रॉप लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पीडब्ल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इंडिया के हजारों बच्चे आज टॉप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में वहां से पढ़ के पहुंच चुके हैं। और पीडब्ल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे एजुकेशन को प्रोवाइड करा रहा है। पीडब्ल्यू लॉन्च किया इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच, जिस कॉल्ड यकीन 2.0 बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 18th ऑफ मई से, जिसकी प्राइसिंग होने वाली है 4,400 रुपीज, जिसमें आपको मिल रहे हैं 6 डेज के रेगुलर क्लासेस, जिसमें एक दिन में आपको 3 क्लासेस मिलेगी 2-2 घंटे के, और आपको एक बैच परचेस करने पे 4 बैच और मिल जाते हैं, जिसमें होंगे यकीन 2023 के 1.0, 2.0, 3.0 और यकीन 2024 का 1.0 बैच। ऐसे बैच में आपको मिल जाता है डीपीपी, जहां इंडिया के बेस्ट एक्सपर्ट टीचर बैठ के डीपीपी को डिजाइन करते हैं, जो कि हर आपको चैप्टर्स के बाद प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसको आप सॉल्व करके अपने टॉपिक्स पे और भी ज्यादा कमांड पा सकते हैं, और इन डीपीपीज का आपको सॉल्यूशन भी दिया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको इस बैच के साथ मिल जाती है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपका हर संडे को टेस्ट होता है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इवेल्युएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ मिल जाता है लाइव डाउट सेशन, जिसमें एक चैप्टर खत्म होने के बाद एक टीचर आएंगे और आपके वो मोस्ट कॉमन डाउट को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली आपको यहाँ पे एनसीईआरटी डिस्कशन और पीवीटी डिस्कशन भी मिल जाता है, जब चैप्टर ओवर होगा तो आपके टीचर आपका उस चैप्टर ओवर होने के बाद उसके चैप्टर के एनसीईआरटी डिस्कशन और उस चैप्टर की पीवीटी डिस्कशन भी करेंगे। अगर बिना किसी देरी के जाइए और परचेज करिए अपने बैचेस को, और यूज करिए मेरा कूपन कोड ABH150, जिससे आपको मिलेगा 150 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट। जल्दी जाइए और अपने बैच को परचेज करिए और अपने ड्रीम को अचीव करिए। सो गाइस, जो हमारे वीडियो का फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए मैं इसको पहले आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप ये गलती मत करना। वो है कि मिनिमम यूज़ ऑफ सोशल मीडिया या अवॉइड सोशल मीडिया।
होता क्या है कि जब बच्चे कोटा में आते हैं तो उनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे तरीके के होते हैं, और होता क्या है कि डिस्ट्रैक्शन में आप फंस ही जाते हो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हार्डवर्क नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि कहीं से स्मॉल प्लेजर मिल जाए तो वो इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करके प्लेजर ले लेते हैं, जबकि हमें स्मॉल प्लेजर नहीं, हमें बिग प्लेजर चाहिए, तो उसके लिए हमें छोटी छोटी खुशियों को तो खोना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना, मैं बोलूँगा देखो, या तो छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो एक फिक्स टाइम बनाओ, जैसे एक डायरी पर लिख दो कि मेरे को इतने बजे से इतने बजे तक, एक घंटे से कम होना चाहिए, एक घंटे ज़्यादा नहीं, इतने ही बजे मैं सोशल मीडिया यूज़ करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ये आपको होना चाहिए। और दोस्तों से, जैसे आपके जो दोस्त अगर कॉलेज में होंगे या कहीं भी होंगे, उनसे कट जाओ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब वो अपनी स्टोरीज पर कुछ भी लगाएंगे आप उससे भी डिस्ट्रैक्ट होगे, और एक छोटा सा, वो कहते हैं ना, चिंगारी पूरे जंगल में आग लगाती है, सिमिलरली यही सीन हो जाता है। तो आप बहुत कम यूज़ करना, और अगर करना तो टाइम सेट करके यूज़ करना। आप बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो गाइस, जो वीडियो का लास्ट पॉइंट है, जो कि फिफ्थ पॉइंट है, वो ये है कि आपका जो साइकिल होना चाहिए स्लीपिंग का, खाने का, पढ़ाई करने का, घर पे बात करने का, सोशल मीडिया यूज़ करने का, वो फिक्स टाइम होना चाहिए। आपका जो साइकिल है वो एक बैलेंस साइकिल होना चाहिए हर जगह से, ये आप याद रखना। उसकी तैयारी आपको आज से अभी से ही करनी होगी, तभी जाके आपका हैबिट बनेगा। किसी भी हैबिट को बनाने में 21 दिन लगते हैं, 21 दिन तक हर चीज़ के लिए आप अपना फिक्स बना लो। जब आपका खाने का टाइम होगा तो खाना, सोने का टाइम होगा सोना, पढ़ने का टाइम होगा पढ़ना। सिंपल बता रहा हूँ, छोटी सी टेक्निक है, बहुत काम आएगी आगे चल के, आप अपने डिसिप्लिन में जाओगे, शेड्यूल में जाओगे, और एक बार अगर आप डिसिप्लिन में चले गए, मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे अंदर भी पहले बहुत सिस्टमैटिक बहुत सारी चीज़ नहीं थी, लेकिन इस प्रिपरेशन में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपने आप सिस्टमैटिक हो गई, बिकॉज ऑफ टाइम टेबल, कोचिंग का टाइम टेबल, पढ़ाई का टाइम टेबल, इस वजह से। लास्ट में अब मैं बात करूंगा वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। तो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आप अगर यहाँ पे ड्रॉप लेने आ रहे हो, तो जो मैंने 5 पॉइंट्स बताया, पहले आप उसको इम्प्लीमेंट करो, 10 दिन तक चेक करो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, फिर आप आना। दूसरी चीज़, आपको इस फेस में आपका जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे बहुत बार होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे आप ऐसी चीज़ों से फेस करने जा रहे हो आगे जाके, जिसमें आप बहुत बार हो सकता है कि डीमोटिवेट हो जाओगे। उस टाइम पे कोई भी नहीं है जो आपको मोटिवेट करने आएगा एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, उनसे टच में रहो, बाकी सबसे कट जाओ। मैं तो बोलता हूँ कि इस प्रिपरेशन के टाइम पे आप ऐसी जगह चले जाओ कि आपके दोस्तों को, पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को पता भी ना हो कि आप हो कहाँ पे, और ख़ुद को सेल्फ मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी गिरोगे आप हमेशा याद रखना कि आप किस चीज़ के लिए आए थे, किसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। ज़्यादा इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, वरना आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी टाइम खराब होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए कीप सेफ, कीप हेल्दी, थैंक यू सो मच।